प्रोफेसर लालजी सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव परीक्षा डॉक्टर एसपी सिन्हा जी, कार्यकारी परिषद एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, शिक्षकेतर शिक्षकेतर कर्मचारीगण, आज के इस दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने आए हुए सभी विद्यार्थी और उनके अभिभावकगण, मीडिया प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जन, इस सभागार में जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे पहले उनकी प्रशंसा करता हूं और इसलिए प्रशंसा करता हूं कि 3-4 बार बिजली गुल हुई और शोर शराबा नहीं हुआ, अनुशासन का बहुत ही अच्छा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने अपने 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। दीक्षांत समारोह का क्षण वास्तव में अविस्मरणीय होता है। ये पढ़ाई का अंत नहीं है, बल्कि ये जीवन के सुदीर्घ यात्रा का एक प्रभाव है। दीक्षांत समारोह में सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पदक दिए जाते हैं। ये पदक और प्रमाण पत्र ये बताते हैं कि आप वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सफलता का यह उत्सव जितना आपके लिए गौरवपूर्ण है, उतना ही आपके अभिभावकों, गुरुओं तथा उन सबके लिए आनंददायक है जिन्होंने आपके जीवन को ज्ञानमय और सुखमय बनाने के लिए पूरे दिल से सहयोग किया है। आपके लिए यह उत्सव 73 दायित्वों के बोध का भी उत्सव है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और आपके सुखमय उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना। विभिन्न विषयों की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले तथा सभी सफल विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से आप सभी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इतिहास साक्षी है, ऐसे महान मनीषियों की लंबी परंपरा भारत में भी है जिन्होंने जीवन के किसी मोड़ पर असफलता के बावजूद अपनी परिश्रमशीलता, साधना और प्रतिभा से अपने जीवन में उत्कृष्ट सफलताएं हासिल की है। राष्ट्रकवि दिनकर की यह पंक्ति आपको सदैव प्रेरणा देगी, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आपके शक्ति का प्रत्यय। बिहार में कई इतिहास प्रसिद्ध और गौरवशाली विश्वविद्यालय स्थापित रहे हैं। नालंदा एवं विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय इसी राज्य में पल्लवित एवं पुष्पित हुए। प्राचीन दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में भी इस राज्य ने विश्व को प्रभावित किया। विश्व का प्रथम एवं प्राचीनतम गणराज्य वैशाली का लक्ष्मी का राज्य इसी राज्य में स्थापित और विकसित हुआ। आधुनिक युग में भी गांधी जी ने बिहार से ही अपनी कर्म यात्रा का श्री गणेश किया था। गांधी जी के सत्याग्रह के प्रथम प्रयोग, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह 1917 के नाम से जानते हैं, का शताब्दी वर्ष हम आयोजित कर रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय संविधान में मातृसभा के अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जन्मस्थली बिहार भी है।